नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस YouTube चैनल पे। आज हम लोग बात करने जा रहे हैं गुरु रंधावा के बारे में। गुरु रंधावा को आज कौन नहीं जानता, चाहे वो पंजाबी म्यूजिक इंडस्ट्री हो या फिर बॉलीवुड म्यूजिक इंडस्ट्री, हर कोई उन्हें जानता और पहचानता है। केवल 5 साल के अंदर में ही पूरे भारत में अपनी आवाज से छाप छोड़ने वाले गुरु रंधावा के लाखों करोड़ों फैंस हैं। उनके फेमस गाने जैसे पटोला, बन जा तू मेरी रानी, लाहौर, मेड इन इंडिया बहुत ही ज़्यादा पॉपुलर हुए हैं। गुरु रंधावा आज के ज़माने में भारत के सबसे पॉपुलर सिंगर्स में से एक हैं, और अगर हम बात करें उनके हिट्स की तो लगभग सारे गाने उनके हिट साबित हुए। गुरु रंधावा का जन्म 30 अगस्त 1991 को गुरदासपुर में हुआ था। बचपन से ही गुरु रंधावा को गाना सुनने और गाना गाने का भूत सवार रहता था। वो जहाँ चाहे वहीं शुरू हो जाते थे और किसी के भी कहने पे वो गाना गाने लगते थे। उन्होंने अपनी शुरुआती पढ़ाई गुरदासपुर के ही एक छोटे से स्कूल से की थी। कहा जाता है कि जब वो 3री क्लास में थे तो एक म्यूजिक कॉम्पिटिशन में उन्होंने 5 गाने गाए और यह देखते हुए उन्हें 3रा स्थान मिला। उनके उस प्रतियोगिता में अच्छे प्रदर्शन से लोग बहुत ज़्यादा प्रभावित हुए और उन्हें प्रोत्साहित भी किए। जब गुरु 7वीं कक्षा में थे तभी से उन्होंने गाना लिखना शुरू कर दिया, और पढ़ाई में अच्छे होने के कारण वे 12वीं पास करने के बाद दिल्ली चले आए ग्रेजुएशन करने के लिए। पर गुरु का सपना तो सिंगर बनने का था, उन्हें जॉब करने में कोई इंटरेस्ट नहीं था। उनको सिंगर बनना था और भीड़ से हटकर म्यूजिक इंडस्ट्री में अपना एक अलग नाम कमाना था। इसलिए म्यूजिक इंडस्ट्री का मार्केटिंग और बिजनेस समझने के लिए उन्होंने IIBM से MBA ज्वाइन कर लिया। जैसा कि मैंने बताया कि वो 7वीं कक्षा से ही गाना लिखना शुरू कर दिए थे और कॉलेज खत्म होते होते वो बहुत सारे गाने बना चुके थे। अब उनको ये गाने लोगों तक पहुंचाने की जरूरत थी, इसलिए उन्होंने तलाश शुरू कर दी एक बड़े म्यूजिक लेबल की। परंतु यह कोई आसान काम नहीं था, उनको सालों लग गए एक अच्छे म्यूजिक लेबल को तलाश करने में। पर प्रॉब्लम की बात तो यह थी कि कोई भी बड़ा म्यूजिक लेबल क्यों किसी एक नए आर्टिस्ट के साथ अपना गाना लॉन्च करे, ये तो एक रिस्क की बात थी। अपने पहले गाने को रिलीज करने के लिए गुरु रंधावा को बहुत भाग दौड़ करनी पड़ी, और बहुत मेहनत के बाद स्पीड रिकॉर्ड्स के साथ उनका पहला सॉन्ग रिलीज हुआ जिसका नाम था छट गई। उनका गाना वैसे तो बहुत ही अच्छा था पर लोगों के दिलों पर राज नहीं कर सकी और यह हिट साबित नहीं हुई। पर गुरु रंधावा कहाँ रुकने वाले थे, उन्होंने अपनी कोशिश जारी रखी। गुरु रंधावा के जीवन में टर्निंग पॉइंट तब आया जब उनका एक नया सॉन्ग आया जिसका नाम था पटोला। उन्होंने यह सॉन्ग फेमस रैपर बोहेमिया के साथ किया था। इस गाने के बाद वो रातों रात सुपरस्टार बन गए और लोग उन्हें पहचानने लगे। यह गाना टी सीरीज जैसे बड़े म्यूजिक लेबल के साथ आया था और अभी तक इसमें 100 मिलियन से भी ज्यादा व्यूज आ चुके हैं। इसके बाद उन्होंने कई सारे गाने गाए जैसे बन जा तू मेरी रानी, लाहौर, यार मोड़ दो, AK-47, सूट, हाई रेटेड गबरू, लाहौर और मेड इन इंडिया। इन गानों की वजह से पंजाब के एक छोटे से गांव से आए गुरु रंधावा न केवल भारत बल्कि पूरे दुनिया भर के लोगों के दिलों में जगह बनाने में कामयाब रहे। उनको इस मुकाम तक पहुंचने में बहुत ही कम समय लगा और आज वो पंजाब के पॉपुलर सिंगर्स में से एक है। एक बार गाना शुरू करने के बाद गुरु रंधावा ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा, उसके लिए लगातार मेहनत करते रहे, प्रयास करते रहे और लगे रहे। तो उनसे हमें यही सीख मिलती है कि अपने पैशन को फॉलो करो और उसके लिए लगातार मेहनत करते रहो, सफलता हमें जरूर मिलेगी। तो उम्मीद करता हूँ कि आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।